50% ஒப்புகை சீட்டு கருவியில் பதிவான ஓட்டுகளை எண்ணி உறுதி செய்ய வேண்டும். குலாம் நபி ஆசாத் பேட்டி. வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களுடன் வாக்கு ஒப்புகை சீட்டு இயந்திரத்தை அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளிலும் பயன்படுத்த வேண்டும் என இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் சுனில் அரோராவிடம் எதிர்க்கட்சியினர் மனு அளித்தனர். காங்கிரஸ் தலைமையில் திமுக, இந்திய கம்யூனிஸ்ட், தெலுங்கு தேசம் உள்ளிட்ட 22 எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள் சந்தித்து மனு அளித்தனர். மனு அளித்த குழுவில் கார்கே, அகமது படேல், ஆனந்த் சர்மா, சந்திரபாபு நாயுடு ஆகியோர் இருந்தனர். திமுக சார்பில் எஸ்ஆர் பாரதி, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் சார்பில் டி ராஜா ஆகியோர் இடம்பெற்றிருந்தனர். வாக்குப்பதிவின் போது ஒப்புகை சீட்டு வழங்குவதை கடைபிடிக்க வேண்டும் என தலைமை தேர்தல் ஆணையரை சந்தித்த பின் குலாம் நபி ஆசாத் தெரிவித்தார். மேலும் அவர் கூறும் பொழுது तीन चार दिन पहले हुई थी जिसमें सभी पार्टी के प्रेसिडेंट्स मिले थे, जिसमें ये तय हुआ था कि इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे और ईवीएम्स में जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, वो इलेक्शन कमीशन के सामने लाएंगे। उस मीटिंग में जितने यहाँ लीडर हैं, इनके अलावा कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री राहुल गांधी भी थे, एनसीपी के प्रेसिडेंट शरद पवार जी भी थे और बाकी जो तमाम लीडर यहाँ मौजूद हैं 23 पार्टीज के, ये सब उसमें मौजूद थे। उसमें सभी राजनीतिक दलों ने बताया कि पिछले 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि जब वोटिंग होती है तो ईवीएम मशीन पे जब बटन दबाते हैं, चाहे हाथ का बटन दबाएं, हाथी का बटन दबाएं या साइकिल का बटन दबाएं या कोई किसी दूसरे सिंबल का बटन दबाएं, तो वोट जो है वो बीजेपी को जाता है, वो फूल पे लगता है। और कई पोलिंग स्टेशंस पे झगड़े हुए, लड़ाई हुई, लेकिन इलेक्शन कमीशन या वहाँ जो भी अधिकारी होता है कमीशन की तरह, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाया पॉलिटिकल पार्टीज को कि ऐसा क्यों होता। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज चाहते थे कि बैलेट का इस्तेमाल दोबारा से शुरू हो जाए, लेकिन 3-4 पहले जो मीटिंग हुई सब लीडरों की, उसमें यह तय हुआ